हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और आजकल आपको पता है, हमने बताया था कि हम जैसे कि हमारे पेपर्स चल रहे हैं, भाविक का 1 बचा है, मेरा 3 बचे हुए हैं, थर्ड वाला कल है। और हमारा पेपर है तो हम पढ़ाई कर रहे थे पूरा टाइम। तो मम्मा जी ने बोला कि आपको मैं कहीं घुमा के लाती हूँ। अब वो हमें नहीं पता मम्मा जी कहाँ ले जा रही है हमारा। मैं इनका माइंड थोड़ा रिफ्रेश करवा के लाती हूँ। चलो, अभी मैंने इनको बताया नहीं है कहाँ लेके जा रही हूँ। चलो नहीं, अब हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग से बाहर। चलो लेफ्ट टर्न ले लो, लेफ्ट टर्न। ओ फोन पकड़ो, मेरा मास्क लगाना है मुझे। चलो तो फ्रेंड्स, चलो मम्मा जी कहाँ ले जा रही है मम्मा जी, आपको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, श्री कृष्ण की कथा चल रही है। तो मैं बच्चों को यहाँ पे लेके आई हूँ, और बच्चों का थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए। बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे थे, और इनको लगा होगा कि मैं इन्हें घुमाने लेके जा रही हूँ, कहीं खिलाने पिलाने ले जा रही हूँ। इनका तो बन गया पोपट, लेकिन इन लोगों को, बच्चों को हमें थोड़ा ऐसे धार्मिक काम में इन्वॉल्व करना चाहिए बचपन से ही। आनंद लीजिए, यानी ऐसे स्थान की तरफ हम चले जाते हैं, ऐसे मार्ग पर उनके चले जाते हैं जो कि शून्य है, खाली है। इसलिए कहते हैं कि दक्षिण पूर्व बैठ कर बह बह रही है पृथ्वी के अंदर, तो हम उसी के साथ साथ बह जाएंगे। यानी धीरे धीरे जो बुद्धि है बात घटनाओं में आ जाएगी। जय श्री राधे, यानी वो खत्म हो जाए। जब खत्म हो गई, बुद्धि तत्व नहीं रहा, विवेक नहीं रहा, सोच नहीं रहा, स्मरण नहीं रहा, नो डिसीजन पावर, नो डिसाइडिंग पावर एंड नो एक्टिविटीज एंड नो मोटिवेशन और द पोटेंशियल पावर हाइडेड इन अवर बॉडी। जो हमारे अंदर शक्ति है जो छिपी हुई है, ना हम उसको जगा पाते हैं, ना उसको काम कर पाएंगे, ना हम इसका सात्विक कर्म कर पाएंगे, ना सत्कर्म कर पाएंगे, ना हमें याददाश्त बनी रहेगी, तो इससे ज्यादा शून्यता क्या होगी। इसी को कहते हैं सकाना, आम भाषा में ये सका है। उम्र है गई 80 साल से साल, धीरे 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 ये कम होती जाती है। और जो ध्यान में लगा रहेगा, प्रभु ध्यान में लगा रहेगा, मोटिवेशन करता रहेगा, मेडिटेशन करता रहेगा, कंसंट्रेशन करता रहेगा और प्रभु का नाम लेता रहेगा, तो इसके अंदर पावर मिलती रहेगी। जैसे हमारा हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे चार्ज होता रहेगा। तो हम जो अंत को हमें पालन करना चाहिए हर गृहस्थी पुरुष को, क्या ऐसे संकटों में अर्धांगिनी ही बेड़ा पार लगाती है। बोलो जय श्री राधे। अरे इसको तो जोर से बोल दो, कितनी जोर से बोले, कैसे ना बोलेंगे श्री राधे। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे बहना तेरे बार, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे बहना तेरे बार, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, आई बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई,
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।